जय हिंद साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। चाहो तो इसे फॉर्मूला बेस स्टेप से निकाल सकते हो। CI - SI बराबर क्या होता है? PR² / 100 का² पी क्या है? आपका मूलधन है। आर क्या है? रेट है, ठीक है। सी आई ओ माइनस केवल यह 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में आपको यही लगाना है, क्योंकि अब अधिकांश से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ही पूछे जाते हैं। 2 वर्ष का अंतर दे रखा होगा या 3 वर्ष का अंतर दे रखा होगा, इससे ज़्यादा अंतर वो नहीं पूछता। तो CI - SI बराबर CI - SI कितना दे रखा है आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 8 रुपये का, तो 8 लिख दिया। पी हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 4% है, 4 × 4, ठीक है। PR² / 100 का² 100 का² करते हैं तो 100 × 100 हो गया, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, तो कितना आ गया आपका? P बराबर कितना अमाउंट आ गया? 5000 रुपये आया। इस टाइप से कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अगर इस टाइप से नहीं करना चाहते तो इस टाइप से भी कर सकते हो। अंतर कितना है? 8 रुपया लिख लिया, अंतर 8 रुपया। पर दर कितनी है? 4% है। 4 कवर कितना होता है? 4 × 16 होता है, 0.16 लिख दिया। जितनी दर रखी है उसका वर्क करके 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इंटू हंड्रेड कर लिया ठीक है। इंटू हंड्रेड करने के बाद पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। 8 × 8 हो गया, 8 × 2 = 16 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। तो इस टाइप से आप 5000 रुपये इस टाइप से भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी के साथ। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को देख ले, सेम क्वेश्चन से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 2 वर्ष के लिए ही दिया गया है, ठीक है। चाहो तो मेरे सेकंड वाले पैटर्न से इसे बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है? अंतर दे रखा है तो अंतर को ऊपर लिख लिया, ठीक है, 1.25। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, 5 का वर्ग 25 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है, तो आपका 0.25 हो गया। इंटू 100 कर देना है, आ गया आंसर। 5 से पॉइंट काट दिया, 25 × 5 = 125 हो गया, आंसर आ गया। मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन 500 रुपये रहा होगा, आ गया आंसर इसका, ठीक है। दूसरे पैटर्न से कर लेते हैं, क्या है? CI - SI बराबर PR² / 100 का² ऐसे भी कर सकते हैं। CI - SI कितना दे रखा है आपको? 1.25 हो गया। P आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है, 5 × 5 / 100 × 100 हो गया। पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा लिया, 100 से 100 काट दिया, ठीक है, 5 से काट दिया, आपका हो गया 5 × 2 = 10 हो गया, 20 आ गया, और 5 × 4 = 20 हो गया, और 125 × 4 = 500 हो गया, निकल आया आपका आंसर। इस टाइप से भी आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। चाहो तो ये भी फॉर्मूला बेस आप कर सकते हो। CI - SI बराबर क्या होता है? PR² / 100 का² × 300 + R / 100। इस फॉर्मूले को लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो P कितना है यहाँ पे? अंतर कितना दे रखा है? अंतर है आपका 31 रुपये का। P आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, 10 × 10, ठीक है, 10 यहाँ पे आ गया तो 310 हो गया, अपॉन 100 × 100 × 100, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 31 से 31 मार दिया, P बराबर कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो, नहीं तो एक तरीका और है आपका जनरल सा, अंतर जो दे रखा है वो ऊपर लिखा, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है, इसमें इसे 300 में प्लस करना है, ठीक है, 300 प्लस करना है, तो नीचे कितना हो गया? 310 हो गया, और 100 दो बार लिख देना है बस। इस टाइप से भी आपका 1 जीरो से 1 जीरो, 31 से 31 कर दिया, तो कितना आ गया आपका? 1000 आ गया। इस टाइप से भी कर सकते हो, चाहो तो इस टाइप से भी निकाल सकते हो, जैसा बेटर हो उस टाइप से आप कर लीजिए।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किसी देगी, 3 वर्ष के लिए था पहले, मैंने 2 वर्ष के लिए बताया था, मैं 3 वर्ष के लिए बता रहा हूँ। 3 वर्ष के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कोष्टक में 300+R/100 कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अंतर कितना दे रखा है, अंतर लिख लिया 155 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसमें हमें क्या दे रहा है, 300 में जोड़ देना है। तो कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, 300 में जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 310 हो गया। 2 बार 100 लिखना है तो 2 बार 100 लिख दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 31×5 155 हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, 5000 आ गया। इस टाइप से कर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या है, CI-SI बराबर PR²/100² × 300+R/100। इसके माध्यम से भी आंसर निकाल सकते हो, चाहे इस टाइप से निकाल लीजिए, चाहे इस फॉर्मूले को रखे निकाल लीजिए, आपका आंसर 5000 ही आएगा। इस टाइप से इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या रुपये आ गया है, 16,400 रुपये को, 16,400 रुपये को 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ठीक है। तो पहली किस्त हम क्या मानेंगे, तो हमने अमाउंट मान लिया एक्स, ठीक है, कितने परसेंट की दर से है हमारा, ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% की दर से है, तो उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अमाउंट है उसमें उल्टा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100/105 पहली किस्त। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 100/105 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्स का मान निकाल लेंगे, कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 100/105, देखिए एक्स, देखिए 16400 एक्स इंटू 100/105 कॉमन आ रहा है, तो जब पूरा निकल गया बाहर कॉमन तो 1 बचा 1+, तो आपको दिख रहा होगा कितना बचा, 100/105 बचा, ठीक है जी, कट रहा है काट दीजिए 5 से, 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 हो गया, तो कितना हो गया आपका, जब भी कट गया 5 से काट दिए, 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 1 = 5 हो गया, 16400 20x/21, इसको प्लस कर दीजिए, 21j हो गया और 20j हो गया, टोटल कितना हो गया, 41/21, देखिए 41 हो गया, 41/21 हो गया, ठीक है। आपको जो दिख रहा होगा, जो 41 से पूर्ण रूप से कट रहा है, 41 × 4 = 16, तो जो 400 बार कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से फिर काट दिया ये, तो ये हमारा 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 441 में मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वार्षिक किस्त निकल के आ जाएगी 0, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 8, तो इस टाइप से मेरी वार्षिक किस्त बड़ी आसानी के साथ निकल आएगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, 550 रुपये को चुकाना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 550 रुपये को लिख लिया, 550 रुपये को चुकाना है, कौन सी वार्षिक किस्तों में, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। एक्स मान लिया 100/ कितने परसेंट की दर से है, 20% की दर से है, तो 100/120 हो गया, प्लस एक्स तो आएगा इंटू 100/120 का स्क्वायर, जितनी वार्षिक किस्तें होंगी उतना ही चलता जाएगा, जैसे 2 वार्षिक किस्तें हैं तो स्क्वायर कर दिया, प्लस करके 3 वार्षिक किस्तें हैं, एक्स इंटू 100/120 का क्यू कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 550 लिख लिया, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है आपका, एक्स इंटू 100/120 ऑटोमेटिक कॉमन आ जाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 1+100/120 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो आप 2 का पाड़ा आता है, 2×5 = 10 हो गया, 2×5 = 10 हो गया, 2×6 = 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काट दीजिए, जैसे कि 1 0 से 1 0 कट गया, तो 550 10x/12 इंटू ये कितना हो गया आपका, 6 × 6, 6 × 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 11/6 हो गया, 11 से ये काट दिया, 11×5 = 55 हो गया, ठीक है, 11×5 = 55 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया, 12×5 = 60 हो गया, और 60 में 6 का गुणा कर दूंगा तो x बराबर
360 होते हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इन क्वेश्चनों को, चलिए स्टेप से आप एक्सरसाइज को कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी धनराशि पे 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है? आपका 8% दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दे रखा है? उसके बाद आपका दोनों का अंतर दे रखा है, CI माइनस SI कितना दे रखा है? 768 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये बात तो पता ही है कि टाइम कितने की है? 2 वर्ष में, 2 वर्ष का दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा गया है? मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो जो अंतर है वो ऊपर लिखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है, तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो कितना हो गया? 0.64 आ गया, इंटू 100 आ गया। पॉइंट लगा के 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए, 8 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 8 2 64 हो गया, ठीक है। 8 निम 72 हो गया, 8 निम 72 हो गया, 8 6 48 हो गया, फिर 8 से कट रहा है तो 8 1 8 हो गया, 8 2 16 हो गया, तो आपकी राशि हो गई 1,20,000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 6 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आप समझ में आ गया होगा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है आपको? 6 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है 2 वर्ष के लिए? 6 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 रुपये दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 5% है। तो आपसे क्या पूछिए? वह राशि ज्ञात कीजिए। तो आपका वर्क वही है, 2 वर्ष के लिए दे रखा है। कितने वर्ष के लिए दे रखा है अंतर? 2 वर्ष के लिए। देखिए जो 2 वर्ष के लिए ही लागू होगा, 2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले क्या है, जो अंतर दे रखा है वो ऊपर लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है उसका वर्क कर लीजिए। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव लग जाता है, इंटू 100 कर लीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। 25 चौके 100 होते हैं तो 4 6 24 हो गया। तो वह राशि कितनी रही थी? 2400 रही थी। कितनी राशि रही थी? 2400 रही थी। अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए स्टाफ से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5,000 रुपये पे 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया है और आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 32 रुपये। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या था? क्योंकि अब तक आपसे मूलधन पूछा जाता था तो आप क्या करते थे कि अंतर लिखते थे, 32 ऊपर लिख लिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता था उसका वर्क करके नीचे लिखते थे, इंटू 100 कर देते थे, ठीक है। और 100 कर देते थे तो आपको 5,000 प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे कितना लिखा जाए कि आपको 5,000 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब तो नीचे अगर आप 5 अगर यहाँ पे रखते हो तो 5 का वर्ग 25 हो गया। पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा आपकी नज़र से, ठीक है। वैसे तो क्या है इसमें, क्या रखा जाएगा? 8 रखा जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो गया, मतलब 8% आएगा। 8 का वर्ग कितना हो गया? क्योंकि देखिए 8 लिख लिया, 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव लगना था तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। 32 से हमने काट दिया, 32 से कम 32 हो गया और 32 2 64 हो गया, 2 5 10 हो गया। तो आपको पता चला गया 5,000 रुपये आ गया। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं।